अभी कुछ दिन पहले सहारा श्री सहारा ग्रुप के जो ओनर थे सुब्रतो रॉय, उनका देहांत हुआ। और जब प्रेस में ये खबर मैंने पढ़ी कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, तो उसमें आया कि लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीजेज जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ उनको मेटास्टेटिक कैंसर था। और एक काफ़ी लीडिंग न्यूज़पेपर में खबर छपी हुई थी और उसमें लिखा था कि वो एक असाध्य रोग मेटास्टेटिक कैंसर से उनका जीवन खत्म हुआ। और साथ में लिखा हुआ था कि सोनाली बेंद्रे की, अपनी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उनका जो बीमारी थी वो भी इसी तरीके के एक असाध्य रोग की थी, जिसमें उनके बचने का चांस 30% था, फिर भी वो रिकवर कर गई और उनको भी मेटास्टेटिक कैंसर था। ये न्यूज़ मेरे अपने विचार में थोड़ी सी मिसलीडिंग या मिसगाइडिंग थी कि जैसे मेटास्टेटिक कैंसर एक ही बीमारी होती है और जिसको मेटास्टेटिक कैंसर हो उसका मतलब होता है कि वो अकेले बीमारी है। तो चूँकि ये मेरा चैनल है जनरल पब्लिक में नॉलेज देने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा अपडेट कि कैंसर क्या होता है, मेटास्टेटिक कैंसर क्या होता है, इसके बारे में मैं जनरल पब्लिक में आपको बता दूं। तो ये 5 मिनट से कम का है, आप इससे जुड़े रहना, आपको फ़ायदा होगा और आपकी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ जाएगी। कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है जब हमारे बॉडी के सेल हमारा कहना नहीं मानते, हमारी बॉडी के सिस्टम का, और बिना कहने के इनडिसिप्लिन वे में ग्रो करने लगते हैं। एक क्रूड एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप बच्चे होते हैं, कद कम होता है, और जब तक आप एडल्ट हो जाते हैं तो आपका कद 5.5 से 6 फुट पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप इमेजिन करिए ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाए और आपका कद बढ़ता जाए और 7 फुट 8 फुट 9 इंच हो, 2 फुट हो जाए, तो वो एबनॉर्मल होगा। ऐसा होता है अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जिसकी ज़रूरत ना हो तो। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो इन अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स कर देता है। हमारा बॉडी सिस्टम में सेल्स जो हैं वो नए प्रोड्यूस होते रहते हैं, पुराने सब खत्म होते रहते हैं। एक ज्वलंत एग्जाम्पल है जो आप भी देखते होंगे, जो मेल्स हैं उनकी दाढ़ी आती है, वो शेव करते हैं, रोज नए बाल आते हैं, नाखून उगते हैं, आप नाखून रोज काटते हैं। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी के बाकी सेल भी शेड होते रहते हैं और नए ग्रो करते हैं। जैसे स्किन की बीमारी सोरायसिस है, उसमें स्किन जब जल्दी आने लगती है तो वो सोरायसिस हो जाता है। इसी तरह हमारे इंटेस्टिन के सेल भी लगातार शेड होते रहते हैं और नए आते रहते हैं। हम सबको पता है जैसे डेंगू सीजन में हम प्लेटलेट देते हैं, क्योंकि प्लेटलेट की लाइफ बहुत कम होती है, 4 से 5 दिन, और जो ब्लड सेल्स होते हैं उनकी नहीं होती है, तब तक नए ब्लड सेल बन जाते हैं। और ये जो ब्लड सेल्स बनते हैं ये रेगुलेटेड बाय हमारे इंटरनल सिस्टम होते हैं। अगर एक इंटरनल सिस्टम हमारे का कहना माने बिना ये सेल्स बनने शुरू हो जाए तो ये इरेगुलर ग्रोथ हो जाती है। कोई किसी मैच्योरिटी में होते हैं, कोई किसी मैच्योरिटी में होते हैं, और इस तरीके की डिजीज़ को हम कैंसर कहते हैं। आप इसका एक एग्जांपल एक देश के तरीके से लीजिए। मैं भी एक इंडियन हूँ, एक हिंदुस्तानी, आप मेरे सुनने वाले भी एक हिंदुस्तानी इंडियन है, चाहे आप गुजरात में रहते हो, चाहे आप कन्याकुमारी में रहते हो, चाहे आप पंजाब में रहते हो। हम सब चीज़ों को क्या चीज़ जोड़ती है, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं इसलिए हम भारतीय हैं। सिमिलरली हमारी बॉडी के सेल, चाहे वो हमारे इंटेस्टिन के हों, हमारे चमड़ी के हों, हमारे ये बॉडी के किसी भी पार्ट के हों, वो एक सिस्टम को मान के चलते हैं। अगर वो सिस्टम ना माने और ये इररेगुलर ग्रो करना शुरू कर दें, एक किस्म से हम एक टर्म बागी हो जाएं, तो इसको हम कैंसर कहते हैं। और उस तरीके से हमारा शरीर नहीं चल सकता। जैसे इस देश में रहने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ना मान के ऐसी बातें करने लगे जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये देश नहीं चलता। सिमिलरली हमारी बॉडी बिना कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं चलती, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बिगड़ जाता है, जब सेल्स बागी हो जाते हैं, जब कहना नहीं मानते, तो इसको हम कैंसर कहते हैं। और ये ट्यूमर क्या होता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर, जब एक क्लस्टर ऑफ ऐसे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। और कैंसर से हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि ये कैंसर ब्लड स्ट्रीम से फैलकर बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में जा सकता है और वहाँ इररेगुलर ग्रोथ शुरू कर देता है। तो दो दिक्कत आती है, जहाँ ये ग्रो कर रहा है उसके आसपास के टिश्यूज को ये इन्वेड कर लेता है। जैसे किसी को एक जगह कैंसर है, वहाँ बढ़ता जा रहा है, सेल कहना नहीं मान रहे, आसपास के जितने ब्लड सेल्स हैं उसको वो कुरेद के वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट कर देगा। अगर वो फूड पाइप के पास भी है तो खाना सटकने में मुश्किल होगी, प्लस ये सेल्स और भी शरीर के किसी हिस्से में जा सकते हैं। तो अगर ये कैंसर सेल्स मेटास्टाइज कर जाए, अगर फैल जाए, तो इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो कोई भी कैंसर मेटास्टेटिक कैंसर हो सकता है। ये कहना कि सोनाली बेंद्रे का कैंसर सेम कैंसर था जो
सुब्रत रॉय का था ये कहना ठीक नहीं है। जो मैंने नेट पे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि जो विश्वनाली वेंडर फिल्म एक्ट्रेस थी वो अभी बहुत भगवान की दया से ठीक है, उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। इनफैक्ट उन्होंने ही ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस लोगों में दी ताकि लोगों ने उनका ब्लॉग और उनका पढ़ के अपना जांच कराने ज़्यादा शुरू की। एक और फिल्म एक्ट्रेस मुझे याद आती है, मनीषा कोइराला, उनको भी कैंसर हुआ था, उनको ओवरी का कैंसर हुआ था और वो फैल गया था, उसके बाद भी वो इलाज से बच गई। तो ये कहना कि कैंसर में इलाज फैले हुए कैंसर में पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे पास इलाज है, टाइमली पकड़ा जाए तो अच्छा है, बट बस किस वजह से कुछ कैंसर होते हैं जो लेट पकड़े जाते हैं, जैसे ओवरी का कैंसर पकड़ा जाता है जब पेट में फ्लूइड कैंसर का आ चुका होता है तो सीधा स्टेज 4 में होता है, और पैंक्रियाज का कैंसर बहुत बुरा होता है क्योंकि जब इन्वेड कर चुका होता है तो पकड़ा जाता है। तो इसलिए हमारे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये होनी कि कैंसर क्या है, कि जब सेल्स बॉडी के अनरेगुलेटेड ग्रोथ से ग्रो करना शुरू कर देते हैं उसको कैंसर कहते हैं, और अगर कैंसर अपनी प्राइमरी जगह से हट जाता है जिसको प्राइमरी कैंसर कहते हैं और ब्लड स्ट्रीम से जाकर किसी और जगह चला जाता है तो उसको सेकेंडरी कैंसर या मेटास्टेटिक कैंसर कहते हैं। कोई भी कैंसर फैलने के बाद मेटास्टेटिक कैंसर हो सकता है। कॉमनेस्ट कैंसर जो मेल्स में देखे गए हैं वो प्रोस्टेट का कैंसर होता है, और लेडीज़ में जो होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं, कोलोन में और लंग्स में कैंसर दोनों में काफ़ी कॉमन होते हैं। तो मेरा आज का अपडेट इतना था, और मैं चाहता हूँ अगर इस तरह के अपडेट आपको सीखने में कुछ हेल्प करते हैं, नॉलेज थोड़े बढ़ाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।